हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रश्न को जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये पहले भी दिल्ली पुलिस के 2008 के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परिवार के चार सदस्यों की औसत आयु 25 साल है। अगर परिवार के मुखिया को भी इस समूह में शामिल करें तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो मुखिया की आयु पता करें। तो एक परिवार है जिसमें कि चार सदस्यों की औसत आयु आपको पता है, ठीक। उसमें अगर हम उस परिवार के मुखिया को मतलब पाँचवें सदस्य को भी शामिल कर लेते हैं तो जो कुल औसत आयु है वो 25 साल से 20% और बढ़ जाती है। मतलब 25 साल और 25 साल का 20% और बढ़ जाएगी। तो मुखिया की आयु आपको पता करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम औसत आयु कैसे निकालते हैं। औसत आयु का जो सूत्र है वो है कुल आयु बटे में लोगों की संख्या। तो हमें कुल आयु नहीं पता है, चार सदस्यों की हमें कुल आयु तो नहीं पता है, तो हम कुल आयु को क्या मान लेते हैं, एक्स माना चार सदस्यों की। ये चार के लिए बात की गई है, ठीक है ना। तो चार सदस्यों के लिए कुल आयु हम एक्स मान लेते हैं। तो देखिए, औसत आयु जो है वो कुल आयु बटा लोगों की संख्या। तो मतलब कुल आयु ये हो गई और लोगों की संख्या कितनी, चार, और ये कितनी थी, 25, 25 साल, ठीक है। और इसके बाद दूसरी बात में वो कहता है कि अगर इसमें हम परिवार के मुखिया को भी शामिल कर लेते हैं तो हमें मुखिया की भी आयु है वो नहीं पता है, तो हमें वो भी मानना पड़ेगा। तो हमने मुखिया की आयु को वाई मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक्स प्लस वाई, और क्योंकि पहले चार लोग थे और अब एक और, तो पांच, और इन सभी की आयु जो है वो मिला के पहले वाली आयु प्लस पहले वाली औसत आयु का 20% और बढ़ जाती है। तो मतलब कि 25 का 20%, तो 25 तो है ही प्लस 25 का 20%, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बटा 5 बराबर 25 प्लस 25। अब का की जगह गुणा, अगर आपको प्रतिशत निकालना आता है तब तो अच्छी बात है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए, का की जगह गुणा और 20% को हम ऐसे लिख लेंगे। ये जो प्रतिशत है इसका मतलब होता है प्रति का मतलब बटे और शत का मतलब 100, ठीक। तो देखिए, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, और 4 से अगर हम 20 को काटेंगे तो 4 5 20, तो इसको पूरा सॉल्व करने पे मतलब 5 आ गया। तो 25 प्लस 5, और इधर क्या है, एक्स प्लस वाई बटे में 5। तो एक्स प्लस वाई बटे में 5 बराबर 30, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई बराबर 30, और ये जो भाग में 5 है अगर ये उधर जाएगा तो गुणे में 5, तो एक्स प्लस वाई बराबर 150। देखिए कि जो एक्स है वो चार सदस्यों की आयु है, कुल आयु, ठीक है ना। हमने क्या माना था कि चार सदस्यों की कुल आयु, तो एक्स हो गया हमारा चार सदस्यों की कुल आयु, और वाई क्या है, पांचवी सदस्य यानी परिवार के मुखिया की आयु। तो इन पांचों सदस्यों की आयु मिला के कितनी है, 150, ठीक। और चार सदस्यों की जो आयु है वो हम पता कर सकते हैं कैसे, यहाँ से देखिए, एक्स बटे 4 बराबर 25। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से हमारा एक्स निकल सकता है, ये जो भाग में उधर जाके गुणे में, तो एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया हमारा 100, ठीक। तो मतलब कि चार सदस्यों की कुल आयु तो 100 है, 100 साल, ठीक है, कुल मिला के 100 साल। और अगर हम पांचों लोगों को मिला लेते हैं तो सबकी मिला के 150 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 150 अगर है, तो अगर हम एक्स को यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा यहाँ से वाई क्या निकल आएगा, तो इसका मतलब है कि जो परिवार के मुखिया हैं उनकी उम्र कितनी है, 50 साल। तो देखिए, ऑप्शन में
दूसरा वाला भी 50 साल सही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप ऐसी वीडियो और देख पाएं।